गाइज, मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट पर आप सभी लोग अपने एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ा लें, क्योंकि अब हम जो करने जा रहे हैं वो रियल जावास्क्रिप्ट है। अब मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि हम वेबसाइट मैनिपुलेशन करेंगे, जावास्क्रिप्ट डॉम को देखेंगे, विंडो ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और जो एक्चुअल जावास्क्रिप्ट नॉलेज आपको चाहिए वेबसाइट्स को बनाने के लिए या फिर वेबसाइट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, वो इस वीडियो में हम लोग करेंगे। जल्दी से मैं यहाँ पर साइड बाय साइड रख के विंडोज़ को और यहाँ पर tutorial11.js नाम से एक नई फाइल बनाता हूँ। तो tut11.js नाम से ये फाइल बन चुकी है और यहाँ पर इसको इंक्लूड भी कर देते हैं अपने index.html में, और tut10 को बंद कर देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। और सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पर इसको अलग अलग फाइल्स इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दे पाऊँ बाद में और आप लोग इसको यूज़ कर पाएँ। मैं सारा का सारा कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा सारे के सारे कोड का। एनीवेज, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉम। अब ये डॉम क्या होता है? डॉम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो विंडो का पार्ट होता है। देखो क्या होता है कि विंडो ऑब्जेक्ट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि आप लोग अपने क्रोम ब्राउज़र में भी देखते हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा और उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा दिस इज ट्यूट 11। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ चेक करने के लिए कि जावास्क्रिप्ट भी चल रही है या नहीं चल रही है, ताकि कुछ अगर एरर मिले तो मुझे ये पता चल जाए कि कम से कम मेरा लाइव सर्वर वगैरह जो है सब कुछ सही चल रहा है। तो मैं इसको रिलोड करूँगा यहाँ पर फिर से, सॉरी इसको नहीं करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, फिर वहाँ पर मैं अपना जो है कंसोल खोलूँगा। तो यहाँ पर मैंने अपना कंसोल खोल लिया है और ये मैंने बताया था कि फैव आइकन के एरर को इग्नोर करना आप लोग। दिस इज़ ट्यूट 11 आ गया, मतलब कि जावास्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड हो चुकी है। अब मैं जो भी यहाँ ट्यूट 11.js के अंदर लिखूँगा वो मुझे दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग एक काम करता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ लॉग, ठीक है। और मैं यहाँ पर लॉग को कर देता हूँ क्या, कुछ भी करूँगा, फिर बाद में मैं कंसोल डॉट लॉग लॉग्ड कर देता हूँ, या फिर वी ए के नाम से बना देता हूँ वेरिएबल, आप कुछ भी बना सकते हो। और यहाँ पर मैं वार इस्तेमाल नहीं करूँगा, जैसे मैंने बताया था मैं लेट ए इस्तेमाल करूँगा, और मैं लेट ए इज इक्वल टू कर रहा हूँ क्या, मैं कर रहा हूँ विंडो, या फिर डॉक्यूमेंट करता हूँ पहले, इनफैक्ट विंडो करता हूँ और सेमी कॉलन लगाता हूँ। और देखो यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट मुझे मिल चुका है। अब ये विंडो ऑब्जेक्ट इसने मुझे दिखा दिया है और इसके अंदर के सारे कंटेंट अलर्ट और उसके बाद एप्लीकेशन कैश और ये सब आप लोग देखेंगे। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो भी इसका एक पार्ट है। अब देखो मुझे कुछ भी चीज़ अगर विंडो के अंदर की लिखनी है तो विंडो डॉट करके लिख सकता हूँ, या फिर सिर्फ ऐसे के ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब कि जो अलर्ट फंक्शन है, या तो मैं विंडो डॉट अलर्ट करके कर सकता हूँ या फिर अलर्ट करके कर सकता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विंडो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मान लो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूँ, यहाँ पर मान लो मैं लिखूँ विंडो डॉट अलर्ट और मैं लिख दूँ हेलो हैरी, कंडोलेंस किया तो ये हेलो हैरी आ गया लिखकर, ट्रिपल आर लगा दिया मैंने एनीवेज, और इसको मैंने सेव किया, फिर से रिलोड हुआ और ये हेलो हैरी आ गया। लेकिन अगर मैं अलर्ट भी लिखूँ सिर्फ यहाँ पर, तब भी यहाँ पर मुझे वही चीज़ मिलेगी। तो मुझे विंडो डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंडो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है हमारा विंडो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसलिए विंडो के अंदर के सारे मेथड्स को एज इट इज़ लिखकर हम लोग यहाँ पर अपने क्लाइंट साइड में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये हो गया विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर विंडो का अलर्ट बताया और मैंने आप लोगों को कंसोल में भी प्रिंट करके दिखाया ये विंडो ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ प्रॉम्प्ट के बारे में। तो मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ और मैं इसको ऐसे कैसे ही रहने दूंगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट और उसके बाद लिखता हूँ दिस विल डिस्ट्रॉय योर कंप्यूटर, तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, और कंट्रोलेस किया तो ये हेलो हैरी तो आ ही गया, मैंने ओके किया यहाँ पर, तो देखो कह रहा है दिस विल डिस्ट्रॉय योर कंप्यूटर। और मान लो मैंने यहाँ पर ओके लिख दिया, तब यहाँ पर देखो ए के अंदर ओके आ गया। तो मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करता हूँ अलर्ट को, तो ये एक बॉक्स दिखाएगा और दिस विल डिस्ट्रॉय योर कंप्यूटर। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप योर नेम, तो प्रॉम्प्ट क्या करता है, एक प्रॉम्प्ट देता है आप लोगों को और उसके अंदर आप जो भी लिखते हैं वो वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, यहाँ पर ए में स्टोर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ अगर हैरियट, तो यहाँ पर देखो हैरियट लिख कर आ गया। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसी के साथ साथ आप कन्फर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए इज इक्वल टू कन्फर्म और मैं यहाँ पर लिख दूँ आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पेज, और मैंने कंट्रोल एस किया और मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको रिलोड करूँगा। अगर आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पेज, मैंने ओके कर दिया अगर यहाँ पर, तब क्या हुआ, ट्रू आ गया। अगर मैं ओके नहीं करता, कैंसिल करता, तो फॉल्स आ जाता। तो कंफर्म क्या करता है, एक बूलियन वेरिएबल असाइन कर देता है ट्रू या फॉल्स
जिस हिसाब से आपने ओके या फिर कैंसिल दबाया है, तो प्रॉम्प्ट आपको पता चल गया क्या है, कंफर्म आपको पता चल गया, अलर्ट आपको पता चल गया। तो अभी मैंने यहाँ पर ये लगाया था, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको कैंसिल करके मैं वापस से इसमें रिलोड कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी मेरा सिर्फ विंडो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ए इज इक्वल टू विंडो ऑब्जेक्ट मैंने कर रखा है, कंसोल डॉट लॉग मैंने ए कर रखा है। यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, प्रॉम्प्ट, कन्फर्म, अलर्ट, ये सब आजकल जो मॉडर्न वेबसाइट्स बनती हैं उसमें इस्तेमाल नहीं होता है, ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं CSS और जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, और हम यहाँ पर ब्यूटीफुल बूटस्ट्रैप अलर्ट्स और ये सब चीज़ें दिखाते हैं, और हम लोग इनको देखेंगे आगे जाकर। अभी के लिए हम जो है इन सब चीज़ों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है और ये हमें आना चाहिए। तो विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट है वो विंडो ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा है। तो आप विंडो डॉट डॉक्यूमेंट अगर लिख दूँ, मैं ए इज इक्वल टू मान लो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट कर दूँ, और आप लोग देखो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट आ गया। अब ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना आपका, HTML, हेड, बॉडी, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाती हैं, और इसी को डॉम बोलते हैं, और इसका जो है ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग डॉक्यूमेंट को देखेंगे आगे जाके, डॉम मैनिपुलेशन वगैरह करेंगे। अभी हम सब सिर्फ समझ रहे हैं विंडो ऑब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पर विंडो डॉट डॉक्यूमेंट अगर हमने कर दिया तो क्या है। तो अभी यहाँ पर मैं आप लोग को विंडो की इनर विड्थ और इनर हाइट के बारे में बताऊँगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए इज इक्वल टू विंडो डॉट इनर हाइट, और आप लोग को इसको प्रिंट करके दिखाऊँ, तो इधर कोई 183 कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको छोटा करूँ, और छोटा करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सेव करूँ, तो ये देखो 150 हो गया। और वापस से इसको अगर मैं बड़ा कर दूँ, तो ये इसको सेव करूँ, देखो वापस से 183 हो गया। इसी तरह इनर हाइट के साथ साथ इनर विड्थ होती है, तो इनर विड्थ और इनर विड्थ देखो उसने दे दी मुझे यहाँ पर 958। अगर मैं इसको छोटा करूँ इनर विड्थ को, तो 958 ना हो गई, 855 रह गई है। लेकिन मैं इसको वापस से बड़ा कर दूंगा। अब है क्या कि आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर विंडो डॉट नहीं भी लिखूँ तब भी काम चल जाएगा, तब भी जो है मुझे दे देगा 955, इसने मुझे दे दी वापस से। तो इनर विड्थ इनर हाइट जो है आप लोगों को समझ में आ गया। इसी तरह आउटर विड्थ और आउटर हाइट होती है हमारी, आउटर वाली विड्थ और आउटर वाली हाइट, ये इनर वाली विड्थ थी हमारी। अब यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको विंडो डॉट लोकेशन के बारे में, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल डी करूँ। अब आप लोग सोचोगे मैं ये क्यों कर रहा हूँ, एक को बार बार ओवरराइट क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार कंसोल लॉग ना लिखना पड़े, और एक ही कंसोल लॉग से काम हो जाए, और ज़्यादा कंसोल लॉग लिखने से क्लटर्ड हो जाता है ये पूरा, इसमें कुछ कुछ भर जाता है। तो मैं एक ए वेरिएबल बनाकर उसको ओवरराइट करता जा रहा हूँ। पहले उसको इनर हाइट कर दिया, फिर इनर विड्थ कर दिया। अब यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रॉल एक्स स्क्रॉल वाई, ये आप लोग को दिखाता हूँ क्या है। कंट्रोल एस किया मैंने, ये देखो स्क्रॉल एक्स ज़ीरो, और स्क्रॉल वाई क्या, स्क्रॉल वाई भी हमारा यहाँ पर ज़ीरो। तो आप लोग हो गए ये क्या, स्क्रॉल एक्स स्क्रॉल वाई ज़ीरो क्यों है। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक पेज खोलता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर कंसोल खोलता हूँ, मैं राइट क्लिक करके कंसोल खोलता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर कंसोल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं स्क्रॉल एक्स कर दूँ, लिखूँ ज़ीरो है, ठीक है। नीचे करूँ स्क्रॉल तब भी ज़ीरो है, क्योंकि एक्स में मैंने कुछ स्क्रॉलिंग करी नहीं है। अब मैं इसको ऐसे कर दूँ, और अब स्क्रॉल एक्स करूँ, तब आप लोग देखो ये 180.9 आ गया। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ, अब स्क्रॉल एक्स करूँ, देखो कोई दूसरी वैल्यू आ गई। तो एक्स में आपने कितना स्क्रॉल किया है, वाई में आपने कितना स्क्रॉल किया है, ये स्क्रॉल एक्स और स्क्रॉल वाई है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर मान लो स्क्रॉल एक्स की जगह स्क्रॉल वाई कर दूँ, तो 1153 आ गया। अब मैं थोड़ा और स्क्रॉल कर दूँ इसको, वापस से स्क्रॉल वाई को प्रिंट कर दूँ, 1.10 आ गया। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग देखेंगे। अब मैं यहाँ पर विंडो डॉट स्क्रॉल एक्स स्क्रॉल वाई नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है हमारा, और ग्लोबल स्कोप में होने के कारण मैं डायरेक्टली स्क्रॉल वाई स्क्रॉल एक्स लिख सकता हूँ बिना विंडो डॉट लिखे। लेकिन ये ज्ञान होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ये ग्लोबल स्कोप में होता है, और ये सब चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आती है तब आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, आपके कंट्रोल में रहेगी वेबसाइट्स, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, कुछ भी यहाँ कंसोल में लिखकर कर सकते हैं। आपको पता रहेगा कि ये सब वेबसाइटें कैसे चलती हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को विंडो डॉट लोकेशन के बारे में बताता हूँ। तो मैं अगर ए इज इक्वल टू लोकेशन लिखूँ, मैं विंडो डॉट नहीं लिख रहा हूँ बार बार, तो मैंने ए इज इक्वल टू लोकेशन लिखा, और अब यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में मैं इसको रिलोड करता हूँ, और यहाँ पर देखो लोकेशन आ गया मेरा, ठीक है। लोकेशन के अंदर क्या क्या है, देखो एंसेस्टर ऑरिजन्स असाइन रिलोड। अब रिलोड एक फंक्शन है, तो अगर मैं लोकेशन डॉट रिलोड कर दूं तब वो पेज रिलोड हो जाता है। तो देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाता हूँ इस चीज़ को, मैं ये करूँगा, देखो ये रिलोड हो गया पेज। उसी के साथ साथ मैं अगर लोकेशन डॉट एच आर एफ करूँ, तो ये देखो ये पूरा मुझे URL मिल गया। और अगर मैं लोकेशन डॉट एच आर एफ इज इक्वल टू मान लो कर देता हूँ कोड विद हरी डॉट कॉम, तभी क्या करेगा,
ये मुझे देखो, मैंने ये स्लैश codeviz.com पे चला गया, मुझे https लगाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, और ये देखो codeviz.com पे चला गया। तो इस तरह से जो है आप लोग यहाँ पर codeviz.com पर जा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर फेसबुक पर जाना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से मैं लिखता हूँ तो ये फेसबुक पे मुझे ले जाएगा, और आप HTTPS भी लगा सकते हैं अच्छे से अगर लिखें आप लोग, तब वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं अभी फेसबुक को यहाँ पर बंद कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा टू स्ट्रिंग के बारे में। देखो ये एक फंक्शन है, तो अगर मैं यहाँ पर लोकेशन डॉट टू स्ट्रिंग लिखूँ, तो मैं यहाँ पर अगर मान लो कुछ इस तरह से लिखूँ, लोकेशन लिखा है मैंने डॉट टू स्ट्रिंग लिख दूँ, ये एक मेथड है कंट्रोल एस करूँ, और ये देखो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग के तौर पे ये उसकी लोकेशन पूरी मिल चुकी है। तो आप लोग आराम से जो है इसके सारे के सारे मेथड्स को एनालाइज करके और इनमें से कोई भी एक रन कर सकते हैं। रीडायरेक्शन कैसे करते हैं मैंने आप लोगों को बताई दिया। विंडो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है विंडो डॉट हिस्ट्री। तो अगर मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू कुछ इस तरह कर दूँ, विंडो डॉट हिस्ट्री हिस्ट्री, और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊँ क्या प्रिंट करेगा। तो आप लोग देखो यहाँ पर इसने हिस्ट्री प्रिंट किया, और देखो लेंथ वन, ये सब इसने मुझे बता दिया। अब देखो मान लो मैं यहाँ से चला गया YouTube.com पर मान लो, या फिर अपनी प्लेलिस्ट पे ही चला गया, ठीक है चैनल पे चला गया। अब उसके बाद मान लो मैं चला गया यहाँ से मैं चला गया आपका किसी वीडियो में चला गया मान लो, ठीक है मैंने मान लो ये वाला मैं प्लेलिस्ट पे चला गया, ठीक है मैंने प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर होगा क्या, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके आप क्लियर कर सकते हैं कंसोल को। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर लिखूँगा हिस्ट्री, विंडो डॉट हिस्ट्री भी लिख सकता था, हिस्ट्री लिख रहा हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ पर हिस्ट्री लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। हिस्ट्री की लेंथ मैं देख सकता हूँ डॉट लेंथ, लेकिन आप कहेंगे हिस्ट्री है क्या। तो देखो अगर मैं हिस्ट्री डॉट गो कर दूँ, तो हिस्ट्री में एक गो नाम का फंक्शन होता है, हिस्ट्री डॉट गो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, और यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया -1, तभी क्या करेगा ये मुझे ले जाएगा वहाँ पर जहाँ मैं इससे पहले था, और उसी के साथ साथ अगर मैं हिस्ट्री डॉट गो -1 फिर से कर दूँ, तो ये मुझे एक कदम पीछे ले जाएगा फिर से। फिर से मैं हिस्ट्री डॉट को -1 कर दूं अगर, तभी क्या करेगा मुझे एक कदम पीछे फिर से ले जाएगा जहाँ पर मैं था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो हिस्ट्री डॉट लेंथ क्या थी मेरी, हिस्ट्री डॉट लेंथ 4 थी, तो मैं उस हिसाब से पीछे 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 जा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर हिस्ट्री डॉट को 1 कर दूँ, तभी क्या करेगा मुझे एक कदम आगे ले जाएगा। तो ये जो बैक बटन्स होते हैं ना, इनको क्लिक करते हैं हम आगे पीछे जाते हैं, वही है हिस्ट्री। सो गाइस ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का विंडो ऑब्जेक्ट, और हमारा यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट का थोड़ा सा बेसिक कि जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट को किस तरह हम लोग डॉम को विंडो ऑब्जेक्ट को इन सब चीज़ों को किस तरह समझ सकते हैं, और फिर उसके बाद हम चेंजेस किस तरह ला सकते हैं अपनी वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप लोग कर लें। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने शुरू से सारे वीडियोज़ देखे, लेकिन ये प्लेलिस्ट में सिर्फ इतने कम व्यूज हैं कंपेयर टू द नंबर ऑफ व्यूज जो कि लोगों ने देखे हैं वीडियोस। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस कर लें, बुकमार्क करके इसको सेव जरूर कर लें। सो गाइज अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।